झारखंड की राजधानी रांची से रविवार को दूसरे वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। इससे पहले रांची से पटना के लिए शुरुआत हुई थी और आज रांची से हावड़ा के लिए शुरुआत हो रही है। वंदे भारत ट्रेन यहां पर लगी हुई, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा में जो लोग हैं वह अभी तैनात हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सारे जो स्टाफ हैं, क्रू मेंबर हैं, सभी लोग पहुंच चुके हैं ताकि जो आज शुरुआत का दिन है वह अच्छी तरीके से हो सके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सभी रेलवे के स्टाफ, रेलवे के अधिकारी, पदाधिकारी सभी मौजूद हैं और ये ट्रेन जो है आज यही ट्रेन की शुरुआत आज राजधानी रांची से हावड़ा के लिए होगी और गाड़ी का जो नंबर है 02098 नंबर है और ये गाड़ी काफ़ी कम्फर्टेबल गाड़ी है और इसी गाड़ी में अब आप लोग रांची से हावड़ा तक का सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन की हम आपको अंदर से थोड़ा ट्रेन को दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रेन में व्यवस्था है और लोग जो है जो हावड़ा के लिए या फिर कहीं जाने के लिए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। बच्चे भी हैं बैठे हुए, हम उनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग हैं, क्या आज रांची हावड़ा ट्रेन की शुरुआत हो रही है क्या कहेंगे और वंदे भारत में आप लोग सफ़र कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो एज ए स्टूडेंट हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया, यहाँ से हावड़ा अगर हमें इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने जाना होता था और एज ए स्काउट हमें ट्रैवल करना पड़ता था, जैसे हावड़ा हमारा हेडक्वार्टर है तो वहाँ हमारा ट्रैवल करना पड़ता था, उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। ये जो लोग हैं जो आज बैठे हैं, सभी बच्चे बैठे हुए हैं और अपने चित्र भी बना रहे हैं, क्या चित्र बनाए हैं थोड़ा देखते हैं, इधर दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से बच्चों ने आज वंदे भारत ट्रेन की जो पहले दिन की शुरुआत है उसमें इन्होंने चित्र बनाई। क्या है ये और ये ट्रेन का चित्र दिख रहा है? ये वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो रहा है तो उसका चित्र है कि वे खुल रहा है। बच्चों में भी एक उत्साह है, सभी आज वंदे भारत ट्रेन से पहले जो चित्र बना कर आए हैं, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है और इस प्रकार से आज जो है सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त कर लिया गया है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। सर, आज आप भी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस तरह के ट्रेन की शुरुआत होने से कितना लाभ होगा लोगों को? काफ़ी लाभ होगा, जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं एक दिन में अगर आना जाना पड़े उनको तो काफ़ी सुविधा हो जाएगा कि एक दिन पे आके वो अपना काम करके लौट सकते हैं, कम समय पे ये ट्रेन पहुंचाएगी वहाँ पे, तो ये काफ़ी सुविधा तो है ही लोगों को और जैसे जैसे ट्रेन चलेगा समय होगा तो पता चलेगा किस तरह का सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं और लोगों का कहना है कि इस ट्रेन के खुल जाने से काफ़ी राहत होगी, यहाँ से बंगाल और हावड़ा के जो लोग सफ़र करते हैं, जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी राहत होगी। हम एक और बॉगी में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है इस ट्रेन की, बिल्कुल हाई क्लास की व्यवस्था है, हर तरह की सुविधा है, कहीं कोई किसी तरह की परेशानी ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है, यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। पदाधिकारी और रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं सब यहाँ पर रेलवे का निरीक्षण कर। सर, क्या कहेंगे आज ट्रेन की शुरुआत हो रही है? ये वंदे भारत ट्रेन हमारी जो है हावड़ा से, रांची से हावड़ा के लिए आज इनॉग्रेट होने वाली है। इस तरह की आज 9 ट्रेन इनॉग्रेट होगी जो कि इंडिया के कई के होने से होगी, इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है इनॉग्रेट करेंगे। ये ट्रेन में, इस ट्रेन में एक खास खूबी यह है कि ये ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, 130 पर चलती है स्पीड पर। ऐसे स्पीड का पोटेंशियल तो 160 किलोमीटर है लेकिन जो है क्योंकि ट्रैक हम लोगों ने 130 के लिए फिट कर रखा है तो 130 पे गाड़ी चलती है और जहाँ पर स्पीड कम होती है वहाँ कम रहेगी। और काफ़ी सेफ्टी फीचर लगे हैं इस ट्रेन में, जैसे कवच लगा हुआ है इस ट्रेन में और कई और सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे CCTV लगे हुए हैं इन साइड में, आउट साइड में, और पूरा ट्रेन कंट्रोल जो होता है TCMS कहते हैं, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, उससे कंट्रोल होता है। इससे क्या होता है कि ट्रेन के जो स्पीड जो है 52 सेकंड में बढ़ जाती है, 130 आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस रूट से गाड़ी ले जा रहे हैं, अदरवाइज ये स्पीड अपने पोटेंशियल पे चलती है, 130 चलती है। और इसमें सबसे बड़ा खूबी ये है कि यात्रियों को फ़ायदा ये होता है कि इसमें आवाज़ नहीं आती है अंदर में, तो यात्री के लिए एक नॉइस फ्री माहौल मिलता है। के पदाधिकारी थे, इन्होंने बताया कि ये ट्रेन से यात्रियों को काफ़ी लाभ होगा और आने वाले समय में रांची से हावड़ा तक का जो सफ़र तय करते हैं लोग, जो बंगाल जाने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी राहत महसूस होगी। तो निश्चित रूप से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से रांची से बंगाल जाने वाले यात्री, हावड़ा जाने वाले यात्रियों को काफ़ी लाभ पहुँचने वाला है। रांची से ETV भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी।